उत्तर प्रदेश के कानपुर में कपड़ा कारोबारी नदीम की हत्या का मामला 5 जून को सामने आया था, जिसे हत्या के बाद उन्नाव के कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में तफ्तीश में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पति के मौत के बाद प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में सगी मां ने ही 2.5 लाख रुपए में सुपारी देकर बेटे की हत्या करवा दी। यह मामला कानपुर इफ्तिखराबाद के अलहड़मढ़ रेसिडेंसी का है, जहाँ प्रॉपर्टी के चक्कर में माँ ने अपनी ही औलाद का कत्ल करवा दिया। कानपुर नगर में जो भी मकान दुकान है उस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस अजमेर जाकर बसना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधक हो रहा था, जिस कारण नदीम की मां आरिफा बेगम नदीम को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने अजमेर के निवासी एक पेशेवर हत्यारे को किराए पर दिया और 2.5 लाख रुपये में हत्या करने का मामला तय हुआ। 16 मई 2024 को सलीम आकर उन्नाव कानपुर नगर उन्नाव होते रेकी किया था और उस समय यह घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। बाद में 2 जून को फिर उसको बुलाया गया और इसको बुलाने में इसकी मां ने काफ़ी सहयोग दिया और हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसने सलीम को तय किया 2.5 लाख रुपए में और उसको 75,000 रुपये दिए गए थे। उसने 4 तारीख की रात में नदीम को कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवा शरीफ बाराबंकी ले गया, वहाँ से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थाना अजगंज क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गाजा लाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट कर हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया था।